रामचरित मानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगवान राम के दर्शन किए थे, लेकिन पहली बार वे उन्हें पहचान नहीं सके थे। दूसरी बार उन्होंने भगवान राम को पहचान लिया था, जिसके माध्यम बने थे हनुमान जी। भगवान राम के प्रति तुलसीदास जी की श्रद्धा और भक्ति अटूट थी। वे अक्सर आसपास जाकर राम कथा कहा करते थे। एक बार वे काशी चले गए, जहां वे घाटों पर राम कथा सुनाया करते थे। राजापुर उत्तर प्रदेश के बांदा जिले का गांव है। ऐसा कहा जाता है कि काशी में राम कथा करते वक्त उन्हें मानव के रूप में किसी प्रेत के दर्शन हुए थे, जिन्होंने उन्हें हनुमान जी का पता बताया था। हनुमान जी के दर्शन उन्होंने किए और उनसे भगवान राम से मिलने की इच्छा बताई। इस पर हनुमान जी ने उन्हें चित्रकूट जाने के लिए कहा था। गोस्वामी तुलसीदास जी चित्रकूट पहुँचे। चित्रकूट गोस्वामी तुलसीदास जी के जन्मस्थली राजापुर से थोड़ी ही दूर पर है। चित्रकूट में उन्हें भगवान राम के दर्शन तो हुए, लेकिन वे उन्हें पहचान नहीं पाए, क्योंकि वे एक राजकुमार के वेश में घोड़े पर सवार थे। इसका उन्हें पश्चाताप भी था, जिसका जिक्र उन्होंने हनुमान जी से किया था। हनुमान जी ने उन्हें दूसरे दिन दर्शन करने के लिए आने को कहा। वह दिन संवत 1607 के मौनी अमावस्या का बुधवार था। भगवान राम एक बार फिर प्रकट हुए। इस बार भगवान राम बालक के रूप में तुलसीदास जी के सामने आए और उन्होंने बाबा कहकर संबोधित करते हुए उनसे चंदन मांगा। लेकिन इस बार हनुमान जी को अंदेशा था कि तुलसीदास जी को फिर पहचानने में भूल हो सकती है। अपनी इस आशंका के चलते हनुमान जी ने तोते का रूप धारण किया और एक दोहा कहा। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसें तिलक देत रघुवीर। दोहा तुलसीदास जी समझ गए और भगवान राम की अद्भुत छवि को एकटक निहारते हुए अपनी सुध बुध खो बैठे। भगवान श्री राम ने स्वयं अपने हाथों से चंदन लिया और तुलसीदास जी के मस्तक पर लगा दिया, जिसके बाद वे अचानक अंतर्ध्यान हो गए। राजापुर के मंदिर में तुलसीदास जी की पीढ़ी के सदस्य अब भी पूजा पाठ करते हैं और उनके पास तुलसीदास जी की हस्तलिखित अयोध्या कांड की प्रति आज भी उपलब्ध है, जिसे दीवार पर बने एक तिजोरी नुमा बक्से के भीतर काफ़ी सुरक्षित रखा गया है।